हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और ये वीडियो मैं दोबारा से रीशूट करके अपलोड कर रही हूँ। पहले मैं शूट कर चुकी थी, उसमें आवाज़ नहीं आई, सो उसको मैंने सडन डिलीट किया। किसी ने मुझे कमेंट किया, दीदी आवाज़ नहीं आ रही है, तो अब जो है मैंने फिर से इस वीडियो को शूट किया है। सो इस वीडियो में आप थंबनेल से समझ गए होंगे, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नवरात्र के संपूर्ण शुभ मुहूर्त पर कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, माँ की सवारी क्या है, नवरात्र कितने दिन के हैं। सो सर्वप्रथम जो सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था वो ये था कि दीदी इस बार माँ की सवारी क्या है, माँ किस वाहन पर बैठ कर आ रही है। सो इस बार माँ घोड़े पर बैठ कर आ रही हैं, ठीक है। सो माँ का आगमन जो है वो घोड़े पर होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, दीदी आपको कैसे पता चलता है और कैसे जाने के माँ का वाहन क्या है। सो ये दिन पर निर्धारित होता है, जैसे सोमवार के दिन नवरात्र शुरू हो रहे हैं, या मंगल को, बुध को, गुरुवार को, तो ये दिन पर निर्धारित होता है। और इस बार जो सवारी है वो शनिवार की है। सो शनिवार को जब नवरात्र होते हैं तो उस दिन माँ जो है वो घोड़े पर विराजित होकर पृथ्वीलोक पर आती हैं। इसके बारे में और आपको डिटेल में जानना हो तो आप देवी भागवत महापुराण पढ़ लीजिएगा, उसमें पूरा जो है वो विवरण दिया गया है। नवरात्र इस बार कितने दिन के हैं? जी, नवरात्र इस बार पूरे पूरे 9 दिन के हैं। 2 तारीख से शुरू होंगे और जो है रामनवमी 10 तारीख की है। 11 तारीख को हम अपने व्रत का पारण करेंगे। सो पूरे पूरे जो है वो 9 दिन को आपको इस बार नवरात्र मिल जा रहे हैं। शनिवार के दिन जो है वो नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और रविवार के दिन जो है वो नवरात्र पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं शुभ मुहूर्त की तरफ। सो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है शनिवार 2 अप्रैल सुबह 6:22 से 8:31 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:08 से 12:57 तक। तो ये तो 2 मुहूर्त हमें सिर्फ मिल रहे हैं। सो अगर आप मेरी बात करें कि मैं कब जो है घट स्थापना करूँगी, तो मैं सुबह में ही स्थापित करूँगी, क्योंकि अगर मैंने दोपहर में स्थापना की तो फिर मैं पूजा करते करते शाम हो जाएगी मुझे, और फिर शाम की पूजा मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं सुबह में ही कर रही हूँ। आप चाहें तो दोपहर के मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जो 12:08 से शुरू हो रहा है। सो दोस्तों, ये तो थे नवरात्र के संपूर्ण शुभ मुहूर्त। विशेष पूजा की तैयारियाँ आपने सबने वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, सारे एवरी वीडियो मैंने अपलोड किया है। नवरात्र से जुड़ा हुआ कोई ऐसा वीडियो जो नहीं है जो अपलोड ना हो, सभी वीडियो को कम्युनिटी टैब में शेयर किया है। नवरात्र की पूजा किस विधि से करनी है, घट स्थापना कैसे करनी है, जौ हमें कैसे बोने हैं, अपने खाने पीने की 9 दिन की तैयारियां कैसे रखनी है, देवी माँ के लिए क्या क्या भोग लगने हैं, कलश में पत्ते किस प्रकार लगाएं कि 9 दिन तक पत्ते ना सूखें आपके। सो ये सभी डिटेल मैंने अपलोड कर रखी हैं। बाकायदे अगर कोई बिगिनर व्रत रह रहा है, अभी अभी शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप 9 दिन की पूजा की सामग्री और माँ का भोग, इनकी व्यवस्थाएँ पहले ही करके रख लें। ये बहुत ज़रूरी होता है, उससे आप 9 दिन तक परेशान नहीं होंगे। मेरी बहुत सारी तैयारियां जो है वो इस बार बहुत पहले से नहीं हो पाई, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे थे मैं जो है वो लगातार जिस दिन से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ उस दिन से कुछ ना कुछ व्यस्तताएं मेरी चली रही हैं। अब जाकर समस्त व्यस्तताओं से जो है वो फुर्सत हमें मिली है, और हमारा किचन का काम कल ही जो है वो फाइनल हुआ है, इसलिए अब थोड़ा सा नवरात्र की तरफ ध्यान गया है। फिर भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैंने क्या क्या तैयारी कर ली, मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली है, अभी वीडियो शूट कर रही हूँ और तैयारियाँ चल ही रही हैं। बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो आने वाली है, चूँकि यहाँ तो मैं बहुत व्यस्त थी, आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही, तो सभी वीडियो पूजा की थाली से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो, नवरात्र के एक दिन पहले आप क्या क्या तैयारियाँ कर सकते हैं उसका वीडियो जो है वो आने वाला है। बहुत सारे लोगों का कमेंट है मेरे पास, दीदी हमारे पास दुर्गा जी का विग्रह है, श्रृंगार करने में बहुत अधिक समय लग जाता है, क्या हम नवरात्र के 1 या 2 दिन पहले माँ दुर्गा का श्रृंगार कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। पंचामृत के द्वारा माँ दुर्गा का आप स्नान करवा लीजिए, और उसके बाद जो है उनको नए वस्त्र, नई ज्वेलरी पहनाकर आप बैठा सकते हैं। नवरात्र की जो प्रतिपदा तिथि होगी, प्रथम जिस दिन आप घट स्थापना कर रहे होंगे, गंगा जल से उनका स्नान आप जल छिड़क के कर सकते हैं, और ये जो है पूर्ण स्नान माना जाता है। सो इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, दीदी हम सिर्फ कलश रखें, व्रत ना रहें तो चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन समस्त सवालों पर वीडियो डिटेल में अपलोड है, तो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री भी थी कि हमारे जो दर्शक हैं वो समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है वो चैनल पर अपलोड है। सो जो वीडियो आपको ज़रूरत लगे देखना है, लड्डू गोपाल के 9 दिन की पोशाक, आपके 9 दिन की पोशाक, खाने पीने की आपकी व्यवस्था, सब कुछ वीडियो अपलोड है डिटेल में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार आप चेक
चेक ज़रूर कर लीजिएगा, कम्युनिटी टैब में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वीडियो आपको एवरी जगह जो है वो मिल जाएंगी। बकाया कि आप इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट, और आप मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय हालत बहुत अस्त व्यस्त है। मतलब यहाँ हाथ की ना एक दो चूड़ी मोल गई है, तो इतना भी समय नहीं मिल पाया कि उनको बदल लूँ, क्योंकि कल ही जैसे कि मैंने आपको बताया किचन का काम फाइनल हुआ है। सो अब थोड़ा सा जो है नवरात्रि की तरफ हम लोग जुट गए हैं, तो अभी तो चलिए बस चल ही रहा है। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आया था, दीदी बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो भैया आप लोगों को पहले से बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोगों को ये दिन याद है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मन खुश हो गया। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।